हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के हम कुछ एग्जांपल्स पर भी बातें करेंगे और इसी को ही कंटिन्यू करते हुए इसमें हम इनके रेट कांस्टेंट के यूनिट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और हर एक लेक्चर जिस दिन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसी दिन देखकर ख़त्म कर लिया करिए। सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया करिए, नोट्स बना लिया करिए, जिससे और रिविज़न भी ज़रूरी है क्योंकि रिविज़न नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा। अगर सब्सक्राइब करने से ही सब कुछ नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्चुअल बात है। ओके, और तो आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इस लेक्चर में हमें बात करना है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 100% गारंटी के साथ आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें दो प्रकार के डेरिवेशंस हैं और उन दोनों प्रकार के डेरिवेशंस पर हम बातें करेंगे क्योंकि वो दोनों ही प्रकार के डेरिवेशन आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब वो मानकर चलिए फिक्स है कि एक क्वेश्चन यहाँ से तो 100% गारंटी के साथ आने वाला है। ठीक है, तो स्किप आप कर ही नहीं सकते। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमने ऑलरेडी अपने इस यूनिट के अंतर्गत काफ़ी सारे टॉपिक्स पर बात कर लिया है, आपको हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो पिछले कुछ चीज़ों को तो हम छोड़ रहे हैं, रिसेंट चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, इनके हमने रेट कांस्टेंट के बारे में बात किया, इनके रेट कांस्टेंट के यूनिट्स के बारे में देखा, इनके ग्राफ के बारे में बात किया, साथ ही साथ इनके हाफ लाइफ पीरियड को भी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंतर्गत ही हमने पढ़ा कि हमारे पास है रेडियो एक्टिव डीके जो होता है वह भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही फॉलो करता है। तो यह कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें हमने देख लिया है। आप लोग उन एपिसोड्स को नहीं देखे हैं, लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो ज़रूर चेकआउट करिए। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, और सूडो ऑर्डर रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बस कॉन्सेप्चुअली समझ रहा है कि सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके मॉलिक्यूलरिटी से कम होता है उसी को ही हम कहते हैं कि यह सूडो ऑर्डर रिएक्शन है। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आई बटन पर भी आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जरूर चेकआउट करिए, सभी लेक्चर्स को देख लिया करिए। ठीक है, कोई भी लेक्चर प्लीज़ मिस मत किया करिए। ठीक है, और रिवीजन किए बिना तो लेक्चर ज्वाइन ही मत करिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को समझने के लिए आपको दो बातों का ज्ञान होना चाहिए। एक तो हम रिएक्शन ऐसे लिख रहे थे अभी तक, रिएक्शन ए टू पी। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम चाहें यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन का लिखें या ना लिखें, यानी कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं नहीं किए हैं, यह हम लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरली आपके बुक में इसी रिएक्शन को जब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाया जाता है तो ऐसे लिख दिया जाता है जनरली। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा जाता है, ताकि हम यह डिफ्रेंशिएट कर सकें अपने कॉन्सेप्ट के लिए कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लिख रहे होंगे, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का लिख रहे होंगे। लेकिन एक्चुअली तो दोनों ही हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकते हैं, दोनों ही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बात यह जानते हैं कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वह उस रिएक्शन के मॉलिक्यूलरिटी पर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है,
ओके और अब हम जब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें एक और प्रकार का हम रिएक्शन लिखेंगे, ए प्लस बी गिव्स आउट पी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसा हम क्यों लिखेंगे आपको अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, या फिर उसके अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं। क्योंकि मतलब सिंपल सा बात है कि अगर एक ही रिएक्टेंट है तो उसके ही कंसंट्रेशन पर हमारा पूरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, लेकिन अगर दो रिएक्टेंट हैं तो ऐसे सिचुएशन में दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर हमारा पूरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बढ़ाया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको मैंने बताया था कि एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी हम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी उसका हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, और उन दोनों रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में उसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर दोनों प्रकार से डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ों आपको अच्छे से समझाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो कोई भी रिएक्शन दिया गया है तो उसका अगर हम रेट लिखते हैं तो रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट, एंड सपोज करते हैं कि इस रिएक्शन को हम ले रहे हैं, तो चलो सपोज करते हैं कि इस रिएक्शन को हमने लिया, तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पर लिखेंगे ए के पावर पी, और यह जो P का वैल्यू होगा वह 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि P का वैल्यू 2 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो P एंड Q होते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन के पावर में जो हम रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में लिखे हुए होते हैं, वही हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो यह P है वह हमारे पास 2 जब मिलेगा तभी हम कहेंगे कि वह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इसके लिए लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह हमारे पास रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो P और Q होता है, और यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास P प्लस Q का जो वैल्यू होना चाहिए वह 2 होना चाहिए, तो इट मीन्स दैट कि यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में P का वैल्यू 1 भी हो सकता है, Q का भी वैल्यू 1 हो सकता है, तब भी 2 हमारे पास मिल सकता है। P का वैल्यू 0 भी हो सकता है, Q का वैल्यू 2 भी हो सकता है, तब भी हमारे पास 2 मिलेगा। 2 यहाँ पर भी हो सकता है, 0 यहाँ पर भी हो सकता है, 2 तब भी मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम दो केसेस को ही डिस्कस करते हैं, एक यह केस को और एक यह केस को। ये दोनों केस हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ये दोनों केसेस हमारे पास नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मिलता भी है तो ऐसे सिचुएशन में हम फिलहाल उसे इग्नोर करेंगे, हमारा जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। तो ओवरऑल आपको बात यह समझ में आया कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह रिएक्टेंट के पावर में, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर में 2 जब होता है उस पर डिपेंड करता है, तो उसी को ही हम कहते हैं कि यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। मैं एक बार चेक कर लूँ क्या वीडियो चल रहा है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, वीडियो चल रहा है, सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी, और हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हेडिंग लगा दिया है, तो आप लोग भी अपने कॉपी में लगा लीजिए। उसके बाद अब हम डिफिनीशन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा कि दोज रिएक्शंस होज रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर कुछ लोग आ गए बेचने के लिए सामान, तो मैं पहले ऑडियो म्यूट करूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि दोज रिएक्शंस होज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड कर रहे हैं, टू पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, या रिएक्टेंट्स भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को ही हम कहते हैं इज, या फिर यहाँ पर हमने दोज लिखा है तो आर कॉल्ड, तो इस प्रकार के ही रिएक्शंस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ओके ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है। तो इसी को ही अगर हमने बस एक डिफिनीशन लिखा है, जनरल सा डिफिनीशन है, ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि कंसीडर, हम सपोज करेंगे ए जनरल रिएक्शन या फिर एनी जनरल रिएक्शन, ठीक है, कोई भी हमारे पास जनरल रिएक्शन हम ले लेंगे।
तो जब हम कोई भी जनरल रिएक्शन लेंगे, जैसे कि अगर बात किया जाए तो हमारे पास होगा, चलिए ए गिप सॉल्ट पी हमने ले लिया, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर टू भी लगा सकते हैं, तो हमने टू लगा दिया है, ठीक है। वैसे टू लगाया जा सकता है, नहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो मॉलिकुलरिटी पर डिपेंड ही नहीं करता। एंड और इसकी जो मॉलिकुलरिटी है, मैं कलर थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ तो मैं रेड कलर ही ले लेता हूँ। एंड इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन पर ही हमारे पास, जब तक रेट ऑफ रिएक्शन पता नहीं होगा तब तक हम उसका ऑर्डर कभी भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, तब हम कहेंगे क्या कहेंगे कि देन, ठीक है, देन हम यह कहेंगे कि ऐसे करते हैं, हियर हियर, यहाँ पर हमारे पास अगर ध्यान से देखा जाए तो P का वैल्यू 2 है, यानी कि ओवरऑल हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 10 द रिएक्शन इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या कहेंगे, दिस रिएक्शन इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, या फिर आप और भी इसी को सेंटेंसेस में कई तरीके से लिखा जा सकता है, मैंने बस एक जनरल सा तरीका लिख दिया। अब यहाँ पर हम दूसरा भी टाइप का देख लेते हैं, तो कंसीडर, अगेन कंसीडर, ठीक है, अगेन कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, ठीक है, जनरल रिएक्शन। अगर हम अगेन करते हैं कंसीडर एक जनरल रिएक्शन, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या मिलता है, हम सपोज करते हैं इस बार दूसरा टाइप का रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स आउट पी, ठीक है। इसके लिए अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे कि 2O3 से हम 3O2 बनाते हैं, यानी कि ओजोन से हमने ऑक्सीजन में जब कन्वर्ट किया, तो ऐसे सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि लगभग मतलब ऐसा ही हमारे पास टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। इसलिए हम जनरली ऐसा देखते हैं कि इस टाइप के ही रिएक्शंस मिलते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास 2 लगा लीजिए। नॉर्मली तो नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये तो बस एक रिप्रेजेंटेशन है, ओके। तो अभी एग्जांपल्स के तौर पर तो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम पहले रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया होना चाहिए, तो एंड तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखना चाहते हैं तो रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अगर सिंपल थॉट से देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1 है, कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, इस प्रकार हम कहेंगे कि हियर हम क्या कहेंगे, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1+1 इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, यानी कि ओवरऑल हम कहेंगे कि इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 10 हम यह कहेंगे कि दिस रिएक्शन, ठीक है, इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो फिलहाल हम ओवरऑल तो यह कहेंगे कि यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन अगर हम एक एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं, तो हमने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी बताया था कि एक एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। तो अगर हम इसे छोड़ रहे हैं और इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन को देख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ए के पावर 1 है, और 1 मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे जब हम ए के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तब। ऐसे ही सिमिलरली इस रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे जब यह बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, लेकिन जब ओवरऑल रिस्पेक्ट देख रहे हैं तब यह भी 1 है, यह भी 1 है, तो दोनों मिलकर 2 बन जा रहे हैं, तो इसलिए यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इट मीन्स दैट, कहने का क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ, थोड़ा डिटेल करता हूँ इसको। हम कहने का मतलब ये बन रहा है कि जैसे कि अगर हम यहां पर रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स करते हैं, ठीक है, सोचो रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो उसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यानी कि यह जब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तभी तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह जब हम दोगुना कर रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन दोगुना कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जा रहा है। सिमिलरली यहां पर अब देखो,
क्योंकि अगर हम केवल ए का कंसंट्रेशन ही टू टाइम्स करेंगे तो इसके पावर तो वन ही है, तो ओवरऑल तो टू ही टाइम्स हुआ। यानी कि अगर हम टू टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो टू टाइम्स ही इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी कि यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। इसका भी कंसंट्रेशन अगर हम टू टाइम्स ही इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी टू टाइम्स ही इंक्रीज होगा, तो यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में भी हुआ, इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी हुआ। लेकिन अगर हम दोनों का ही टू टाइम्स कर दे रहे हैं तो यहां से भी टू मिलेगा, यहां से भी टू मिलेगा, चार हो जाएगा, तो ओवरऑल फोर टाइम्स हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये दोनों ही रिएक्टेंट जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये दोनों ही क्या हैं, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को बना रहे हैं। ओके, ठीक है, इतना तो आसान सा कॉन्सेप्ट था, आप लोग समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें विजुअल है ना। हाँ, बस ये लास्ट वाला लाइन थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा बनता है, ठीक है, खैर धीरे धीरे वो अभी हम सीख लेंगे, सीखते ही तो हैं। ओके, तो अच्छा चलो पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो भी। हाँ ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फटाफट से मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ, छाप चुके होंगे आप लोग, ठीक है। टाइम मत लिया करो स्क्रीनशॉट लेने में, मतलब जैसे मैं हटूँ, अरे वैसे तो आप तो इसमें मास्टर ही होंगे ना। मैं जानता हूँ बच्चे बहुत तेज हैं स्क्रीनशॉट लेने में, नोट्स नहीं बना रहे होंगे। नोट्स कौन बनाता है भाई आज, नोट्स तो बहुत कम ही बच्चे बना रहे होंगे, सोच रहे होंगे अरे सर जी तो लिखवा ही रहे हैं, टेलीग्राम पे दे ही देंगे आज नहीं तो कल नोट्स, तो क्या ही दिक्कत है। लेकिन खुद से अगर नोट्स नहीं बनाते हो तो आप मान कर चलिए कि और वो बच्चों से पीछे हो जाते हैं, ठीक है, ये एक कड़वा सच है। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों जो मैंने एक्सप्रेशंस निकाला था तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दोज रिएक्शंस, ठीक है, हुज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हुज रेट ऑफ रिएक्शन, वैसे मैं इसको डिफिनीशन के तौर पर लिखवा दिया लेकिन मैं सोच रहा था डिफिनीशन के तौर पर नहीं लिखवाने का, चलो मैं नहीं डिफिनेशन लिखवा रहा हूँ क्योंकि डिफिनेशन बहुत ही सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पर हम टू टाइम्स लिख रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिए कि फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, फॉर एनी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इज प्रोपोर्शनल, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, टू द स्क्वायर ऑफ, ठीक है, किसके स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये हमारे पास है। बस मैंने उसी को ही दूसरे टर्म्स में लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखना चाहते हैं, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स भी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला एग्जांपल बहुत ही आसान सा एग्जांपल, यहाँ पर आप लिखिए कि डीकम्पोजिशन, ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ, किसका डीकम्पोजिशन, यहाँ पर मैं करा दे रहा हूँ NO2 का, ठीक है, NO2 का जब हम डीकम्पोजिशन कराते हैं तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर 2NO2 लिख लीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 2NO प्लस यहाँ पर हमारे पास O2 बाहर हो जाता है, ऑक्सीजन 4 है, नाइट्रोजन 2 है, बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट एंड यहाँ पर NO2 का स्क्वायर होता है, ठीक, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, अब यहां पर ये दो और ये दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, बस ये तुक्के से सेम हो चुके हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे एग्जांपल की तरफ, चलिए उसे भी मैं करा दे रहा हूं अपने ओजोन वाला रिएक्शन को, तो यहां पर लिख लीजिए कि कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ओजोन
टू ऑक्सीजन, ठीक है, ओजोन से हम ऑक्सीजन में कन्वर्जन दिखा रहे हैं। तो यहां पर छोटा सा एग्जांपल है, 2O3 से हम कर देते हैं 3O2, ठीक है, यानी कि जो ओजोन लेयर हमारे अपर सरफेस में है ना, वह एटमॉस्फेयर में, वो एक्चुअली ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होता है, तो ऑक्सीजन के एटम्स जब ऊपर ऊपर जाते हैं तो हमारे पास वहाँ पर सनलाइट पड़ता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं और तीसरा ऑक्सीजन भी वहीं पर जुड़ जाता है, तो इस प्रकार ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पर हमने बस रिएक्शन लिख दिया, ठीक है, समझाने के लिए वो बातें हैं लेकिन लिखने के लिए ये बातें हैं, ओके। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ओजोन से हम ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन से हम ओजोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना भी आसान प्रोसेस नहीं होता जितना लिखने में आसान हो जाता है। आप आते हैं, बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख लीजिए आप लोग। तो इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह के कंसंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ, चलिए बढ़ते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ। तीसरा एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, कौन सा एग्जांपल मैं करा दूं, ये वाला एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वाला, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, एस्टर्स इन एल्कली कंडीशन लिख लीजिए, एल्कली कंडीशन, ठीक है। तीन ही एग्जांपल कराता हूँ, ऐसा तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं लेकिन तीन ही एग्जांपल्स से हम आगे बढ़ चलेंगे। तो एस्टर्स है, यानी कि हमारे पास हो जाएगा CH3 COOC2H5, यह एक एस्टर होता है, प्लस इसका हम एल्कली कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, यानी कि NaOH हो जाएगा। एंड एक मिनट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस रिएक्शन को पहले कंप्लीट करते हैं, एक्चुअली काफ़ी सारे नॉइसेस आसपास हो जाते हैं कभी कभी। खैर आइए बात करते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि एस्टर्स का जो हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं एल्किल कंडीशन में, तो यहाँ पर हमारे पास बनता है सॉल्ट, तो बनता है CH3COONa। वैसे क्या रिएक्शन हो रहा है इससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टॉपिक ही कुछ और है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम उस चीज़ पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली ये बाउंड ब्रेक होता है, यहाँ पर एक्चुअली ये बाउंड ब्रेक होता है, तो प्लस वाला माइनस से जुड़ता है और यहाँ पर प्लस वाला माइनस से जुड़ता है, ठीक, आई मीन ओके। खैर आइए बात करते हैं, इन सभी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर इसके। तो रेट ऑफ रिएक्शन के इनटू यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन CH3COOC2H5 हो जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास NaOH के भी ऊपर क्या है रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना चाहते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में हम कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके रिस्पेक्ट में हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास बातें हुई, कुछ एग्जांपल्स हुए, इनके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं लेकिन एग्जांपल्स देकर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए, फटाफट से, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, वैसे अगली बार से मैं ध्यान दूंगा, पहले ऊपर से इरेज करूंगा जिससे आप लोगों को लिखने का थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं, अब हम चलिए बात कर लेते हैं कि जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट जो के होगा, जो हम आगे चलते हुए ड्राइव करेंगे उसके लिए एक्सप्रेशंस, तो उसका हम यूनिट कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमें मतलब अलग अलग रिएक्ट अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए हमें उसके रेट कांस्टेंट का यूनिट डिटरमाइन करना रहता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर इसका हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट को डिटरमाइन करना चाहते हैं उसके रेट कांस्टेंट के लिए, तो हम सिंपली जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू, हमने दो एक्सप्रेशन अभी निकाला, के इंटू ए कंसंट्रेशन का स्क्वायर।
दूसरा हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखा कि हमारे पास के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो ये दोनों बातें लगभग सिमिलर एक ही का आता है, ठीक है। तो इससे अगर हम के का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम ऐसे कहेंगे कि रेट अपॉन में हमारे पास मिलेगा कंसंट्रेशन, तो चाहे ये वाला कंसंट्रेशन लिखिए चाहे ये वाला कंसंट्रेशन लिखिए, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास कंसंट्रेशन मिलेगा और इसका स्क्वायर रहेगा, ठीक है, चाहे यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने एक फार्मूला भी पढ़ा है कि हम अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि मोल लीटर इनवर्स का पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। ये फार्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, नहीं याद है तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और हम जानते हैं कि n जो होता है यह ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑर्डर जो है वह हमारे पास 2 है, तो 2 का वैल्यू हम यहाँ पर अगर रखते हैं तो मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मोल लीटर इनवर्स के पावर -1 हो जाएगा, -1 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मोल का इनवर्स हो जाएगा लीटर के पावर 1 हो जाएगा एंड सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट मिलेगा, चाहे हम इस फार्मूले की सहायता से निकालें या फिर हम इस एक्सप्रेशंस की सहायता से निकालें या फिर हम अगले दो क्लासेस में यह बताएंगे आप सभी को कि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है उसका एक्सप्रेशन होता है 1/T इंटू एक्स अपॉन में ए इंटू ए माइनस एक्स होता है। ये मैं एक्सप्रेशंस आपको बताऊंगा आगे चलते हुए। तो यहाँ से भी हम इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है, के इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं और इधर लिखता हूँ, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग ऑन बेस 10 टी इंटू ए माइनस बी भी होता है एंड यहाँ पर बी इंटू ए माइनस एक्स अपॉन में ए इंटू बी माइनस एक्स होता है। यह भी एक एक्सप्रेशन है। ये दोनों एक्सप्रेशन से भी हम अपने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के यूनिट को डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इन दोनों को पढ़े नहीं हैं तो इसलिए हम इन पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन बस ओरली मैं समझा दे रहा हूँ। यह एक्स जो है यह भी कंसंट्रेशन है, ए माइनस एक्स भी कंसंट्रेशन है, ए भी कंसंट्रेशन है, तो यह कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर कंसंट्रेशन, यहाँ पर टाइम, तो 1/ कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर वैल्यू देखा जाए तो हमारे पास क्या मिल रहा है, कंसंट्रेशन का इनवर्स सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स कहेंगे, टाइम इनवर्स मिल रहा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स यानी कि हमारे पास ये वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन इनवर्स मतलब मोल लीटर इनवर्स का इनवर्स हो गया, तो यानी कि ओवरऑल मोटल मोल इनवर्स लीटर हो जाएगा और टाइम इनवर्स मतलब सेकेंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखेंगे तो ये तो हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा, कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन अपॉन में कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन कैंसल आउट। यहाँ पर क्या बचा, ये तो वैल्यू है तो खत्म हो गया, 1/ में टाइम इनटू कंसंट्रेशन, तो ओवरऑल वैल्यू यह हमारे पास मिल जाएगा, तो कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स बन जाएगा और फिर वो हमारे पास यूनिट मिल जाएगा। तो मतलब ओवरऑल हम चाहे कैसे भी निकालेंगे हमारे पास बात एक ही आएगा, लेकिन हम अभी इन एक्सप्रेशंस को पढ़े नहीं हैं तो इन एक्सप्रेशंस की सहायता से नहीं बात करेंगे, हमने जो पढ़ा है उन्हीं चीज़ों की सहायता से हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट निकालते हैं। तो नाउ, ठीक है, नाउ हमने दो रेट ऑफ रिएक्शंस को देख लिया है तो हम उन्हीं में से एक ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं, लेट, हमने सपोज कर लिया कि ए प्लस बी इज गिव्स आउट पी, ठीक है, एंड रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा रेट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन का हम यूनिट पहले से ही जानते हैं तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू, हमारे पास रेट का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स। अब ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं पढ़ाया गया है, मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है अपने शुरुआती ही लेक्चर्स में, ठीक है।
रेट का हम कैसे निकालते हैं यूनिट, ये बात हम पहले से जानते हैं। और ये भी कंसंट्रेशन है, यह भी कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन को, लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स, और यह भी हमारे पास कंसंट्रेशन है, तो मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मोल लीटर इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यह ऊपर चला जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू बनेगा हमारे पास मोल लीटर इनवर्स का इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट का हमने क्या निकाला, यूनिट कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो टेक दिस स्क्रीनशॉट, ओके, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। और ये हमने आपको बताया कि अलग अलग तरीके से भी निकाला जा सकता है, अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, वैसे आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते ही नहीं है, खासकर जब हम थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें उस पर बात ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम किसी एंट्रेंस एग्जाम्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर वही फार्मूला ही उपयोग होता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, तो अब इस लेक्चर को यहीं पर मैं समाप्त करूँगा। अगले लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, टेक दिस स्क्रीनशॉट। आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हमारा संघर्ष आप लोग सफल बना सकें, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।